मदीने वाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मिनट का दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद व आलि व बारिक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कोई और बात नहीं करनी, सबसे पहले तमाम दोस्तों को और मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रात 10:15-20 पर आपके भाई को पता चला कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। इतनी खुशी कसम से कि दिल बाग बाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि आज पहला रोज़ा है, पहली सहरी है। अभी जो है टाइम, उससे पहले ये बताऊँ, जाके हमने नमाज तरावी अदा की। 12 नमाज तरावी अदा करके तकरीबन 12 से ऊपर टाइम हो गया था कि घर हम वापस आ गए थे। जो भी गुलाम हो जाए, कसम खुदा की वो आली मकाम हो जाए। नबी चारन वाले 4 बजने में अभी 6-7 बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई अभी अभी उठा है। 1 आपका भाई सो गया था। 7 मारे भाई जैगम, भाई उस्मान, रजैन और एक आध और दोस्त थे, उन्होंने साथ, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी टाइम पर अदा करके 12 से बाद घर वापस आ गए थे। 1 पूरे एग्जैक्ट टाइम पर आपका भाई फोन चार्जिंग पर लगा कर सो गया था। कि बात की जाए भाई साहब मौसम की, तो बादल बताए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी, तो जब निकलेगी धूप वगैरह रोशनी होगी फिर पता चलेगा बादल जितनी ज़्यादा बारिश है या नहीं। अभी जो तारे वगैरह कोई नामो निशान, दाना भी जो है नीचे पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यार भाई दाना जो परिंदों का नीचे ही पड़ा हुआ है, तो बगैर टाइम दिया कि पहले करते हैं सैरी, सैरी करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं भाई। दोस्तों सैरी में 2 पराठे हैं, दोनों में से कोई एक भी पराठा जो मेरे नसीब होगा वो खाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक खाने हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में सालन में जो है लोबिया है, सुरह लोबिया। साथ में आपका मन, मतलब आपका फेवरेट हो गया ये दूध, तो पहले तो दूध पीते नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है पसंदीदा फेवरेट चीज़, खाना खाऊँ ना खाऊँ दूध लाजमी पीना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई टाइम जो है भाई 4:35 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भाई कपड़े वगैरह चेंज कर चुका है, 4:41 पे रोज़ा बंद हो जाना है, वजू करना है। अभी वजू करने से पहले मस्जिद जाएंगे, वजू जो है उधर जाकर करेंगे। टोपी वगैरह लेनी है, वो आपको टोपी भी दिखाते हैं, टोपी वगैरह उठानी है, टोपी वगैरह उठा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मस्जिद। हमारी टोपी, उसके अंदर टेप, इसको बाहर निकालो, बाकी सामान मुझे दरकार है, यानी कि मुझे चाहिए उसके अंदर है सिर्फ एक इत्र, ये है इत्र शमसा, मेरी वन एंड ओनली, मेरी फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत सी इत्र इस्तेमाल किए मगर इस इत्र से ज़्यादा मुझे और कोई ज़्यादा इत्र पसंद नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बनी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, इसकी जो शीशियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ब्लैक कैप काली पहनी है, तो आज भी यही पहनेंगे पूरा रमज़ान इंशाल्लाह, यही पहनेंगे। और अभी चलते हैं मस्जिद, चल कर वजू करते हैं। नबी के इश्क का जिस दिल में दाग रोशन हो तो उस पे आतिश दो। वेलकम बैक। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह ठंड हो गई है, रोज़ सैरी वगैरह करके हम अभी नमाज फजर अदा करके घर गए, जैकेट वगैरह डाली है, मैं और अपने प्यारे प्यारे भाई जैन भाई जैकेट डाल कर आए, हम जा रहे हैं अभी कब्रिस्तान। सर्दी अच्छी खासी हो गई है, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज आ रही है और मौसम वैसे ही है, बादल बने हुए, 6 भाई जैन को जो अच्छी खासी ठंड लग रही है। भाई जैन अगरबत्तियाँ लेकर आए, अभी अभी दुकान से अगरबत्तियाँ ली हैं और सड़क पर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाएँ। तो अभी जाते हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से होकर आते हैं, दिल तो है कि आते हुए नहाते हुए आए। क्यों भाई जान है दिल यार, सर्दी आ गई है, अच्छी खासी जो है सर्दी हो गई है, बारिश की वजह से लास्ट जो बारिश हुई उसके बाद अच्छी खासी सर्दी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान हम पहुंच आए हैं, तो भाई जैन काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अगरबत्तियाँ जला रहे थे, तो यहाँ पर अच्छी खासी है माचिस की जो तीली है ना, ये देखिएगा कि कितनी है यहाँ पर, फिर आपको बताते हैं कितनी मेहनत की इन्होंने। ये देखें हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बाल ही नहीं तेरे, ये इतनी ज़्यादा माचिस की तीलियाँ ज़ाया करने के बाद
अगरबत्तियाँ इन्होंने जला लिया और ये कब्र पर लगा रहे हैं। डब्बी ख़त्म तो नहीं हो गई? नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ी है। अभी पड़ी हुई है तो डब्बी, ये डब्बी पड़ी हुई है, माचिस भी शायद से थोड़ी सी रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोस्तों सात होने वाले हैं, हमें तकरीबन घंटा होने वाला है। भाई जान उधर से अगरबत्तियाँ उठा कर लाए हैं। कब्रिल्लाह, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर एक बात बहुत पसंद आई मुझे कि हर तरफ गुलाब गुलाब गुलाब, हर तरफ गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ तक आगे तक सारे गुलाब के पौधे लगे और भाई जान मुझे लग रहा है कि बारिश जो है हो जानी, क्योंकि इस तरफ काले बादल है, अच्छे यहाँ से बिजली भी जो है वो चमक रही है, बादल बोलते जा रहे हैं। तो अभी जो चलते हैं घर, बाहर चल के आपको वो दिखाते हैं, वो क्या फसलें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो सामने ये सारा जो हिस्सा है, यहाँ पर गंदम की फसल है, यहाँ पर भी एक ज़मीन का हिस्सा है, यहाँ पर भी एक गंदम की फसल है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, फिर बारिशों के बाद धूप लगेगी, फिर ये अच्छे हासी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत मज़े का मौसम हो गया, हवा अच्छी हासी चाह रही है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और मैं अपना फेस आपको सिर्फ ऐसे रिवील करा सकता हूँ, फिलहाल मुझे ऐसे ही देख लो तो अच्छा है। क्यों, ठीक नहीं लग रहा? ठीक लग रही है। क्यों, अब देखते हैं बारिश होती है। अभी गाइस देखे, हम वो कुत्ते के साथ प्रैंक करने लगे हैं। आज इधर से हम मट्टा उठाएंगे। ओ नहीं 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 नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, बुरी बात। तो भाई मैं अभी कैमरा बंद करने वाले, क्योंकि बिजली चमक रही है। नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, बुरी बात। तो भाई अभी जो कैमरा करते हैं बंद, क्योंकि बारिश चमक रही है। इंशाल्लाह अब अपने घर पहुँच कर ही आपसे मुलाकात होती। उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा, जिसके होने से मेरी सांस चला करती थी, जिसके होने से मेरी सांस चला करती थी, किस तरह उस शख्स के प्यार गुजारा हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बोला था कि बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो फाइनली हम इस गली से अब आ रहे हैं। रोड वगैरह क्रॉस किया, उधर हमने बैठ कर वीडियो शूट किया। मोबाइल की बैटरी भी काम है, बैटरी बस बंद होने वाला है भाई जैन का आईफोन। तो बारिश होना शुरू हो गई है, भीग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हल्की बारिश है अभी। भाई जैन गीले हो रहे हो? बस अल्लाह का अल्लाह ही बचाए, सर्दी बहार ना हो। इतना मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब के, बारिश पहला रोज़ा, ऊपर से बारिश, कब्रिस्तान से होकर आ रहे हैं नमाज फजर अदा की कब्रिस्तान के, उधर से आप वापस। तो भाई जैन हमारे साथ है। आप दोस्तों को आज का व्लॉग कैसे लगा? सर्दियां आ गई हैं, ये मेरी और भाई जैन की भी हो सकता है सर्दियों का पहला रोज़ा हो, यही बात है। जी जी, सर्दियों को पहले कभी रोज़ा नहीं आया, गर्मियों में आते हैं, ये सर्दियों में पहला रोज़ा। देखें जैकेटें दोनों ने डाली हुई हैं, डालनी नहीं थी, सिर्फ हवा चली या बारिश होना शुरू हो गई, अभी भी बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों को कैसा व्लॉग लगा आज का, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी आपको दुआ में याद रखूँगा, तब तक के लिए दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।